ट्यूटोरियल सीरीज में एक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपको और भी इन सब चीजों से रिलेटेड कोई कोर्सेज करने हैं या कंसल्टेशन लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू दिस लेक्चर तो आज जो हम कार्ड पढ़ने वाले हैं वो है कार्ड मेजिशियन का इस कार्ड का नाम है द मेजिशन कार्ड में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए क्योंकि सीरीज में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम इस कार्ड के नंबर को एनालाइज करेंगे ये है कार्ड का नंबर है नंबर वन जो नंबर वन होता है मैंने आपको समझाया है नंबर्स के लेक्चर में कि नंबर वन का मतलब है सन का नंबर सन का मतलब क्या होता है सन का मतलब होता है आपको मिलती है लीडरशिप क्वालिटीज़। आप अच्छी लीडर बनेंगे आप जो कहेंगे लोग आपकी बात सुनेंगे लोग आपकी बात मानेंगे जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो करेंगे और आपके पास क्योंकि सन का नंबर है तो न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। जब भी सूरज उगता है नई बिगनिंग होती है नए दिन की शुरुआत होती है नए दिन की शुरुआत हम मानते ही सूर्योदय से है और अगर आप हिंदू कैलेंडर को हिंदू बिलीफ को फॉलो करेंगे तो नया दिन कभी भी रात के 12 बजे से शुरू नहीं होता नया दिन हमेशा हमेशा सूर्योदय से शुरू होता है इसलिए ये न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं लेकिन साथ साथ सन आल्सो रिप्रेजेंट्स ईगो

जो सन है ये वाला जो नंबर है ये ईगो को और एक डोमिनेटिंग नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है तो ये कार्ड जिसके लिए भी आप रीड करेंगे आप बोलेंगे कि देखिए आप में लीडरशिप क्वालिटीज है आपके पास नई अपरचुनिटी आने वाली है अच्छा होगा जो चाहेंगे वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी पूरी होंगी लेकिन साथ साथ आपके अंदर ईगो है आपको लगता है आप ही ठीक है और आप हमेशा अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं अब यहाँ पर अगर आप कलर को देखेंगे मेजरली सबसे पहले बैकग्राउंड में जो आप कलर दिख रहे हैं वो है येलो तो येलो कलर भी गुरु का कलर होता है जुपिटर का कलर होता है और अगर हम येलो कलर की बात करें तो हमेशा ये कहूंगी मैं कि नई अपॉर्चुनिटी नई बिगनिंग जो भी चीजें आप लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलेंगी कुछ ही चीजें आपके पास आएंगी आप कुछ चीजें पूरा करना चाहते हैं तो आप जरूर पूरा कर पाएंगे इस पर्सन को अगर आप देखेंगे तो इसने अंदर से वाइट कलर की ड्रेस पहनी है और बाहर से रेड ये देखिए अंदर से ये जो पर्सन है इसकी ड्रेस है वाइट मतलब जो इनके बॉडी से जो चीजें टच हो रही हैं वो है वाइट कलर की तो वाइट मतलब इस इंसान का दिल बहुत अच्छा है बहुत अच्छे दिल का ये इंसान है जो सोचता है अच्छा सोचता है लेकिन क्योंकि नंबर वन भी है तो इसके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस है लेकिन वैसे इसका दिल प्योर है ये इंसान अंदर से गंदा नहीं है बुरा नहीं है ये किसी को चीट नहीं करेगा हाँ लेकिन थोड़ा मतलब उसके बाद आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऊपर इन्होंने जो पहना है वो रेड कलर पहना है तो अंदर से तो ये अच्छे इंसान है लेकिन बाहर से ये जो रेड कलर है ये क्या दिखा है आपको ये रेड कलर दिखा रहा है आपको पैशन जो भी चीज करेंगे पूरे पैशन के साथ पूरी फेथ के साथ पूरे लव के साथ उस चीज को करेंगे और साथ ही साथ ही दिखा रहा है अग्रेशन हो ये पर्सन अग्रेसिव भी हो सकता है ये पर्सन दूसरों को डांट सकता है एरोगेंस इतनी ज्यादा आ सकती है कि अपना काम मनवाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है अब आप इस कार्ड में देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह पर फ्लावर्स हैं। ये देखिए ऊपर भी फ्लावर्स हैं और यहाँ नीचे भी फ्लावर्स हैं जब भी फ्लावर्स होते हैं टैरो कार्ड में तो ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या दिखाते हैं ये हमेशा दिखाते हैं ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इसलिए आप कह सकते हैं कि इस इंसान की लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा आएगी ये इंसान बहुत ग्रो करेगा ये इंसान बहुत प्रॉस्पर करेगा जो चाहेगा वो विशेष पूरी होंगी सो so, अभी तक जितना हमने पढ़ा है ऑल एरोगेंस और थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचने की सेल्फिशनेस है नेक्स्ट अब आप देखेंगे इस सिंबल को ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या दिखा रहा है आपको डिवाइन पावर इसका मतलब है कि इस पर्सन के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है और ये पर्सन भगवान को मानता है इन इसकी आस्था है कि भगवान को ये कर्मा फियरिंग गॉड फियरिंग पर्सन है अब आप देखेंगे कि जो ये पर्सन की ड्रेस है ये यहाँ पे देखेंगे इनकी वेस्ट पर एक स्नेक बना हुआ है इसका मतलब इन्होंने एक स्नेक को बांधा हुआ है अपने वेस्ट पर। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक सांप लेकर आइए और उसे ना अपने वेस्ट पर बांध लीजिए। क्या आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे क्या आप उस सांप को बिना डरे इतना कंट्रोल कर पाएंगे कि आप उसे अपने वेस्ट पर बांध ले और जैसा आप चाहे वैसा वो साफ करे इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है इसका मतलब क्या है ये पर्सन बहुत ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंसर है मतलब ये किसी को भी कन्विंस कर सकता है ये इंसान किसी को भी कोई भी चीज करने के लिए कन्विंस कर सकता है ही हैज अ ग्रेट ही और शी हैज अ ग्रेट कन्विंसिंग पावर ये जो बोलेंगे लोग वैसा करेंगे अगर ये सांप को अपने वश में कर सकते हैं तो ये इंसानों को इजीली मैनिपुलेट करके अपनी बातें मनवा सकते हैं अपने डिसिशंस को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं आल्सो स्नेक एक और चीज रिप्रेजेंट करता है और वो होता है न्यू बिगिनिंग अब स्नेक न्यू बिगिनिंग कैसे रिप्रेजेंट करता है वो समझिए आप में से शायद सब लोगों को नहीं पता होगा कि स्नेक इज द ओनली एनिमल जो जब बूढ़ा होता है सॉरी जस्ट गिव मी वन मिनट जो स्नेक होता है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो जब बूढ़ा हो जाता है उसकी स्किन बूढ़ी हो जाती है तो वो अपनी उस ओल्ड स्किन को निकाल के अंदर से एक न्यू स्किन को लेके आ जाता है और फिर से वो फ्रेश फ्रेशनेस एक वो यूथनेस आ जाती है यूथ वापस आ जाता है तो इसलिए स्नेक जहां भी आपको टैरो कार्ड में दिखेगा आप बोलेंगे ये एक नई शुरुआत है जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म होंगी और नई चीजें शुरू होंगी सो ऑल इन ऑल अभी तक हमें इस कार्ड में बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स के चांसेस बहुत ज्यादा है बहुत ब्राइट है और बहुत अच्छे है अब हम देखते हैं कि इस इंसान का एक हाथ नीचे है और यहाँ पे ये एक ही फिंगर को दिखा रहा है ये हाथ नीचे नहीं कर रहा ये फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है और एक हाथ ऊपर है और हाथ में इन्होंने बैंटन जैसा कुछ लिया है तो अगर आप इनके हैंड्स को देखेंगे तो कैसे लग रहे हैं इनके हैंड्स बहुत ही अथॉरिटेटिव हैंड्स लग रहे हैं एक हाथ में बैंटन है एक हाथ में क्या है देखिए बैंटन। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये डिसाइड करेंगे अपने डिसीजन को ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो डिसाइड करेंगे जो सोचेंगे वो कर सकते हैं और जो दूसरा हाथ है वो भी नीचे की तरफ है लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है एक फिंगर पॉइंट कर रही है डाउनवर्ड्स पूरा हाथ नहीं दिखा रहे एक उंगली दिखा रहे हैं आप किसी को उंगली कब दिखाते हैं जब आप गुस्से में होते हैं आप अथॉरिटी में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है और इसने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया हुआ है कि अकेले चलने वाला इंसान है इसको किसी का साथ नहीं चाहिए इसकी प्रोजेक्शन ऐसे हो रही है कि अकेले चलने वाले इंसान है जब इसे मतलब होगा तभी किसी से बात करेगा जब इसे मतलब नहीं होगा ये किसी से बात नहीं करेगा ये अपने बारे में सोचता है या अपनी अथॉरिटी पे फोकस करता है और अब आ जाते हैं इस कार्ड के सबसे मेजर पार्ट पे जो की है ये चीजें जो इनके टेबल पर रखी हुई है माइनर आरकाना के कार्ड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ इस कार्ड में इस टेबल पे रखे हैं इसके पास पेंटिकल है जो आप ये स्टार का साइन देख रहे हैं ये होता है पेंटिकल का साइन और ये क्या दिखाता है मनी जो आप ये कप देख रहे हैं इस तरह से ये जो आप कप देख रहे हैं ये सूट ऑफ कप्स का साइन है और ये क्या दिखाता है आपके इमोशंस जो आप स्वॉर्ड देख रहे हैं एक तलवार जैसा ऐसा कुछ देख रहे हैं ये है स्वर्ड और ये आपके एक्शन को इम्प्लीमेंटेशन को बहुत सारी चीजों को दिखाती है आपके थॉट को दिखाती है और लास्ट आप देख रहे हैं ये देखिए ये बॉन्ड दिख रहे हैं सूट ऑफ बॉन्ड का भी एलिमेंट इसी में आ गया है इस तरह से दिख रहे हैं तो जो चाहेगा इस इंसान के पास सारी रिसोर्सेज है ये जो चीजें चाहे उन चीजों को पूरा कर देगा लेकिन इसके अंदर कमी क्या है बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होना ईगोइस्टिक होना जब अपना काम है तब तो बात कर ली जब काम नहीं है तो लगता है अरे ये बेवकूफ इंसान है मैं इससे क्यों बात करू अपने मतलब से तो बात कर लिया और जब अपना मतलब खत्म हो गया तो बात करना भी छोड़ दिया इस तरह का पर्सन है इसलिए हमें यहाँ पे जब भी ये कार्ड आएगा अगर आप रिलेशनशिप के लिए एडवाइस करेंगे तो आप क्या बोलेंगे देखिए आपके पास सब कुछ है भगवान की ब्लेसिंग भी है जो चाहेंगे वो होगा और आप बुरे इंसान नहीं है लेकिन अपनी पैशन और चीजों को पाने की वजह से आप इतने डोमिनेटिंग हो गए हैं आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते अपने पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग इश्यूज इश्यूज ईगो आते रहते हैं आपको लगता है बस मैं ही ठीक हूँ क्योंकि आप फुली इक्विप्ड हैं आपके पास सब कुछ है इसलिए आपको लगता है जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है अगर हेल्थ के बारे में बात करेंगे तब भी आप यही कहेंगे कि सब कुछ अच्छा है लेकिन आप किसी की सुनते नहीं हो आपको लगता है अगर मैंने सोच लिया हेल्थ मुझे इस तरह से कुछ करना है तो आप वैसे ही करेंगे आप किसी और की बात नहीं सुनते हैं दूसरों की बात ही सुनने के लिए आप ओपन नहीं है जो आपको होना चाहिए इसका का नाम है मेजिशन, मेजिशन नाम इसलिए है क्योंकि इस पर्सन के पास हर एक क्वालिटी है लाइफ में सक्सेस के लिए लेकिन एरोगेंस गुस्सा ईगो ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को कहीं से भी नीचे पटक सकती हैं एक बहुत ही फेमस

क्योंकि आपके पास पैसा है उससे आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते उससे आप लोगों को खरीद नहीं सकते कुछ टाइम तक आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बट अल्टीमेटली लोगों को आप प्यार से हम्बलनेस से ही खरीद सकते हैं वही एक ऐसी चीज है जिससे आप लोगों को अपना बना सकते हैं और काम कभी भी कोई अकेला नहीं कर सकता टीम वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो इसलिए आपको इन्हें एडवाइस देना पड़ेगा बिजनेस में भी कि देखिए सबको अच्छे से ट्रीट कीजिए ऐसा नहीं कि अभी किसी एम्प्लॉय से मतलब है तो बहुत अच्छे से बात कर ली जब काम खत्म हो गया छोड़ दिया एरोगेंस दिखाना सिर्फ अपने बारे में सोचना सिर्फ ये बोलना कि मैं ही सही हूँ ऑल दिस इज नॉट राइट तो आपको इन्हें ये एडवाइस करना है This was all about the card magician. अगर आप मेरा फुल टैरो कार्ड का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें हमने हर कार्ड पर और डिटेलिंग और और बहुत सारे डिस्कशन भी किए हैं कुछ अलग अलग तरह के क्वेस्टन्स लेके भी डिस्कस किया है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट मेजिशियन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए शुरू से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और प्लीज लर्न करते रहिए क्योंकि इस चैनल का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लर्न करें और आप एक कॉन्फिडेंट कार्ड रीडर बने प्रोफेशनली परस्यू करते हैं तो भी बहुत अच्छा है नहीं तो एटलीस्ट आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स की मदद कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर